नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि भैरवी में 12 स्वर कैसे यूज करते हैं और 12 स्वर जब हम लगाएंगे तो वो भैरवी से वो मिश्र भैरवी हो जाता है। क्योंकि अगर भैरवी राग की बात करें तो अगर हम बंदिश गाते हैं तो बंदिश मतलब बंधा हुआ, और बंधा हुआ मतलब कि अगर वो जो स्वर भैरवी के लगेंगे सारेगामा बाधा निशा वही लगेगा, रेगा धानी कोमल, बाकी वो कोई स्वर नहीं लगेगा। लेकिन 90% लोग भैरवी को मिश्र भैरवी कर देते हैं, गाते हैं। अगर आप फिल्म देखेंगे, फिल्मों में देखेंगे तो वो बहुत सारे ठुमरी अंग हो गया तो वो भैरवी अंग में चला जाता है। तो अलाप से शुरुआत करते हैं। आप रोक रोक के आप इसको वीडियो को देखना सीखना होगा, तो एक एक स्टेप इजी होगा इसमें। तो पहले अलाप से करते हैं। निसा गा मा पा धा पा गा मा रे सा। नॉर्मली क्या होता है कि सा रे गा मा पा धा नी सा सा नी धा पा मा गा रे सा। तो ये भैरवी के सुर हुए, और भैरवी राग जो हुआ, राग मतलब सजाना होता है कि हम इसको सजाएंगे कैसे। तो कभी भी सीधा सीधा अलाप नहीं होता। आप देखेंगे कई गुणीजन होते हैं, चाहे आर्टिस्ट होते हैं, वो कभी भी सारे गा बाधा नहीं सानिधा मगर ऐसा कभी नहीं करते हैं, वो अलाप लेके चलते हैं। तो अलाप एक एक चीज ध्यान पे देखिए। निसा गा मा पा धा पा गा मा रे सा। फिर सेकंड अलाप निसा गा सा रे सा। निसा गा मा पा धा पा पा धा नी धा पा पा धा नी सा नी सा धा पा पा धा नी सा रे सा नी सा धा पा गा मा 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 गा रे रे गा गा। अब इसमें देखिए, मैंने तीव्र मध्यम का यूज किया और शुद्ध गा का यूज किया। तो भैरवी में 12 स्वर ऐसे लगते हैं। अब अब मैंने शुद्ध रे यूज किया, गा 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 रे ने सा रे गा म रे सा। तो ऐसे शुद्ध रे यूज हो गया, शुद्ध म यूज हो गया, शुद्ध गा यूज हो गया। अब पानी धनी धा पा आ आ। अब इसे गा म रे सा, लेकिन अगर हम गाई के अंदाज में कहें तो गा म पा को हम म यूज करें, गा म रे सा पा को कण से यूज करें, गा म रे सा। अब जो बंदिश मैं आपको बताने जा रहा हूं वो बंदिश ठुमरी अंग से है, ठुमरी अंग से बंदिश है वो। तो उसमें सारे स्वर लगा के मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे सुर लगता है, और इस चीज को आप अपने तरीके से भी गा सकते हैं। जैसे कि ऐसो नी डर मोरी माने नहीं बतिया पा पा धा मा पा गा मा नी धा पा मा गा मा रे सा। क्या है पा पा धा मा पा गा मा नी धा पा मा गा मा रे सा। अब रार करत मोस बीते सारी रतिया। अब इसमें शुद्ध रे यूज हो रहा है, नि सा गा मा पा धा पा मा गा रे गा मा रे सा। रार करत मोस बीते सारी रतिया नि सा गा मा पा धा पा मा गा रे गा मा रे रे सा। अब यह स्थाई हो गया। वीडियो को रोक रोक के अगर आप सीखेंगे तो अच्छा सीख जाएंगे आप, क्योंकि नोटेशन नहीं है यहाँ पे, लेकिन स्लो स्लो में बता रहा हूँ कि आपको समझ में आएगा। पहला लाइन पा पा धा मा पा गा मा नी धा पा मा गा मा रे सा, ठीक है। पा पा धा मा पा गा मा नी धा पा मा गा मा रे सा। सेकंड लाइन नी सा गा मा पा धा पा मा
गे ग म रे सा नि सा ग म प ध प म ग रे ग म रे सा दो लाइन कंप्लीट हो गया बोल ऐसो नी डर मोरी माने नहीं बतिया रार करत मोसे सारी सारी रतिया रार करत मोसे सारी सारी रतिया। अब आते हैं अंतरा पे। अंतरा में देखते हैं नए रंग पिया गमदनी सासा नए रंग पिया तो है गमदनी सा 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 नी सा सा रे सा दा पा। अलग तरीके से करना है तो गमदनी सा 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 नी सा सा नी सा दा पा। ये दोनों हो सकता है। गायकी अंग में एक ही चीज नहीं चलता है, आप अपने तरीके से भी यूज कर सकते हैं इसको। नए रंग पिया तो है लाज नावे फिर नए रंग पिया तो है लाज नावे। ये दो तरीका हो गया। नए रंग पिया ऐसे भी ले सकते हैं नए रंग पिया तो है लाज ना आवे क्या गम धनी सा गरे सा नी सा धा पा। अंतरे का ये पहला लाइन है तो देखिए मैं कितने तरीके से प्ले कर रहा हूं। पहला नए रंग पिया तो है लाज ना आवे। दूसरा तरीका नए रंग पिया तो है लाज नावे। तीसरा नए रंग पिया तो है लाज नावे। ठीक है, तीन तरीके से मैंने आपको दिखाया। नोटेशन एक बार फिर सुन लीजिए ग म ध नि सा 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 नी सा सा रे सा ध प। दूसरा नोटेशन ग म ध नि सा 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 नी सा सा नी सा ध प। फिर तीसरा ग म ध नि सा ग रे सा नी सा ध प। तो तीन तरीका है ये। राग का मतलब ही है जब आप सीख रहे तो उसको कई तरीके से गा सके। अब चौथा है हटो छोड़ो बैया मोरी सगर सनी धा प म हटो छोड़ो बैया मोरी लागो नहीं छतिया। नोटेशन सागर सा नी धा प म ग ग प म ग म रे सा। क्योंकि भैरवी का है कि बाद मोस्टली टाइम वो गामा रेसा सारे सा ये आता है भैरवी में। तो हटो छोड़ो बैया मोरी लागो नहीं छतिया। फिर से एक बार देखिए सा ग रे सा नी धा प म ग ग प म ग म रे सा। फिर से हटो छोड़ो बैया मोरी लागो नहीं छतिया। ये सीखने के अंदाज से मैं आपको सिखा रहा हूँ, अगर थोड़ा सा गायकी में करेंगे तो हटो छोड़ो बैया मोरी लागो नहीं छतिया सो निडर मोरी माने नहीं बतिया सो निडर मोरी माने नहीं बतिया। अब एक लाइन को देखिए कई तरीके से गाया जाता है, इसमें मैं कैसे सुर यूज करता हूं ध्यान से देखिएगा, ये सीखने वाली चीज है। पहला ऐसो निडर मोरी माने नहीं बतिया। अब देखिए अब शुद्धा को यूज करूंगा मैं ऐसो निडर मोरी पापा निधा निधा पा ऐसो निडर मोरी माने नहीं बतिया। अब तीसरा तरीके से देखेंगे
ऐसो निडर मोर माने नहीं बतिया। देख रहे हैं आप पधनी सनी द पग ग प म ग म रे सा। अब ऐसो निडर मोर माने नहीं बतिया, मैंने शुद्ध नहीं का यूज किया। ऐसो निडर मोरे, ऐसो निडर मोरे माने नहीं बतिया। पधनी नी धापा, बहुत मतलब कम समय के लिए शुद्ध नहीं का यूज कर रहा हूँ, और सुर ऐसा यूज करना है कि वो खराब भी ना लगे। ऐसो निडर मोरे माने नहीं बतिया। अब ऐसो निडर मोरे माने नहीं बतिया, क्या पधनी सनी द प ग ग म म ग म रे सा। ये ग ग म तीव्र म, ग ग म म ग म रे सा। अब देखिए तीव्र म लगा, शुद्ध लगा, शुद्ध नहीं लगा, अब शुद्ध ग कैसे यूज करेंगे ध्यान से देखिएगा। ऐसो निडर मोरे माने नहीं बतिया, मतलब अच्छा भी लगे और सुर भी लग जाए। फिर से देखिए पधनी ध प म ग रे रे ग ग रे ग रे सा। फिर से देखिए पधनी ध प म ग रे रे ग ग रे ग रे सा। ऐसो निडर मोरे माने नहीं बतिया। तो आपका शुद्ध ध लग गया, तीव्र म लग गया, शुद्ध ग लग गया, और दूसरे लाइन में लग ही रहा है शुद्ध रे। रार करत मोस सारी सारी रतिया, शुद्ध लगी क्या। रार करत मोस सारी सारी रतिया। तो ये भैरवी का एक पूरा प्रकार हुआ कि भैरवी में 12 स्वर कैसे यूज करते हैं, और जो बंदिश है आप उसको अपने तरीके से गा सकते हैं। जैसे कि ऐसो निडर मोरी माने नहीं बतिया, रार करत मोसे सारी सारी रतिया, रार करत मोसे सारी सारी रतिया। नए रंग पिया तो है लाज नया रे, रंग पिया तो है लाज नया रे, हटो छोड़ो बैया मोरे। अब यहाँ पे क्या है, हाथ को हटा रही है। हटो छोड़ो बैया मोरे लागो नहीं छतिया, ऐसो निडर मोरे माने नहीं बतिया। रार करत मोसे सारी सारी रतिया, रार करत मोसे सारे सारे रतिया। तो ये भैरवी का पूरा प्रकार हुआ कि मिश्र भैरवी में हम कैसे अलाप को 12 स्वरों से नवाजें, या फिर कैसे बंदिश में अगर हम करें तो मिश्र भैरवी करें तो, क्योंकि बहुत सारा मिश्र भैरवी चलता है, कहीं भी फिल्मी सॉन्ग हो गया या फिर आप स्टेज पे गाते हैं, मंच पे गाते हैं, तो आप शुद्ध भैरवी में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। एक कैपेसिटी, क्योंकि बंदिश, उसको बंदिश बोला ही गया कि ये बंदिश है, बंदिश मतलब बंधा हुआ। जब हम बंध के आगे निकलते हैं तो बहुत कुछ कर पाते हैं। तो इसको मिश्र भैरवी में हम सारा स्वर यूज करके और बहुत खूबसूरत बना सकते हैं इस चीज़ को। तो आज के लिए इतना ही, नमस्ते।